सब्सक्राइब कीजिए आरके गार्डन यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन भी दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आरके गार्डन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सामने आप यह देख पा रहे हैं, ये मधुमालती की बेल लगी हुई है मेरे घर पर। तो ये मेरी छत पर फैली हुई है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी सुंदर बेल दिख रही है, काफ़ी अच्छी बेल है। तो इसे अपने घर में सभी को लगानी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, इस पर जो छोटे छोटे बड्स निकल रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर बड्स दिख रहे हैं। इस बेल का लगाने का समय आप लोगों को बता दूं मैं, जब बरसात ख़त्म हो जाए, थोड़ी थोड़ी सर्दियां आ जाएं, तो जब आप इस बेल को लगाएं तो अच्छी तरीके से ये ग्रो करती है और कुछ ही दिनों बाद इस पर इतने सारे फूल आते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो जैसे कि यहाँ पर तो आप देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी ढेरों सारे फूल आए हुए हैं इस बेल पर। तो ऐसे ही मैंने लगाई थी, जो बरसात मैंने पिछले साल लगाई थी, तो बरसात निकलने के बाद जब सर्दियां आ जाती हैं तो ये अच्छी तरीके से ग्रो भी करती है और सर्दियों में इतने सारे फूल देती है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतने सारे सुंदर फूल आपने कहीं पर अभी तक नहीं देखे होंगे। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप ऐसी बेल को अपने घर में या अपने बगीचे में या कहीं अब लगाना चाहते हैं तो इसे अवश्य ही लगाइएगा। यह बेल कुछ ही दिनों बाद जब इसे आप लगा देंगे तो कुछ ही दिनों बाद ये इतनी फैल जाती है कि ढेरों जगह में ये आती है बेल। तो ये मेरी छत के ऊपर फैली हुई है। तो जैसे कि नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि मैं छत के ऊपर अपने के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर जो सारी छत पर ये फैली हुई है, तो इतने सारे फूल इस पर निकल रहे हैं। जब आप इसे लगाएं तो आप लोगों को एक सावधानी रखनी है, जब इसे लगाते समय आपको अच्छी तरीके से पहले लगा लीजिएगा, जब इस पर पीली पत्तियाँ पड़ने लगे तो आप उन्हें समय से तोड़ते रहिएगा। ताकि आप, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें।